प्रदेश सरकार विकास के साथ हर गांव को सड़क से जोड़ने के दावे करता हुआ नहीं थकती है, लेकिन हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत नंदन के गांव कसियाना आज भी सड़क सुविधा से महरूम है। आलम ऐसा है कि कसियाना गांव को जाने वाला संकरीला रास्ते पर पैदल चलना भी जान जोखिम में डालना है। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी कसियाना गांव के बाशिंदे काला पानी जैसा जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि कसियाना गांव के बाशिंदों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लेकर डीसी हमीरपुर से भी गांव के लिए फुट ब्रिज बनाने की गुहार लगाई थी, लेकिन इस पर भी आज दिन तक कोई कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों में गहरा रोष है। कसियाना गांव से सड़क तक पहुंचने के लिए करीब 1.5 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है और रास्ता खड़ से होते हुए संकरीले चढ़ाई होते हुए जाता है। ऐसे रास्ते में पैदल चलने के लिए भी पूरी तरह से अलर्ट होकर चलना पड़ता है, क्योंकि जरा सा ध्यान हटने पर 100 फीट खाई में गिरने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने जनमंच से लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी फुट ब्रिज बनाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फुट ब्रिज नहीं बनाया गया है, जिससे ग्रामीणों की दिनचर्या बदतर बनी हुई है। कसियाना गांव से बीमारी की हालत में अस्पताल पहुंचाने के लिए दिक्कतें पेश आती हैं और बुजुर्ग गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए गंतव्य पर पहुंचाना आफत से कम नहीं है। ग्रामीण हिमराज ने बताया कि कसियाना गांव के लिए फुट ब्रिज की समस्या को हल नहीं किया जा रहा है, जिस कारण पुराने संकरीले रास्ते से होकर ही आना जाना पड़ता है। वहीं इसी रास्ते पर पुरानी पुली थी, टूट चुकी है, जिसकी मरम्मत काफी समय बाद अब शुरू हुई है। उन्होंने बताया कि गांव के लिए फुट ब्रिज की मांग की बीडीओ बोरस के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है और खड किनारे पुली बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि जल्द फुट ब्रिज बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मांग को पूरा नहीं करती है तो लोग मानवाधिकार आयोग में फरियाद करेंगे। हमारा नाम हेमराज है जी। मेरी समस्या सर फुट ब्रिज की है, लोहे के फुट ब्रिज की डिमांड है हमारी गांव वालों की, तो जिस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारे बुजुर्ग गर्भवती महिलाएं माता को ले जाना ही बड़ा मुश्किल है, और इसलिए जब हमने इस फुट ब्रिज की डिमांड को रखा तो हमारी इस डिमांड को मतलब इस पुली इस डिमांड के द्वारा ये पुली का निर्माण कार्य किया जा रहा है, क्योंकि हमने डीसी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प में भी कई बार शिकायत दर्ज करवाई है और डीसी महोदय को भी हमने ज्ञापन सौंपा, तो उन्होंने भी वीडियो वगैरह को अच्छा, ये उनकी साइड से हमें अच्छा रिस्पांस आया है। डीसी महोदय, उपायुक्त महोदय से हमें अच्छा रिस्पांस आया है, और जो हमारे ब्लॉक खंड अधिकारी है उन्होंने पता नहीं उस फुट ब्रिज की डिमांड, हमारी डिमांड को पता नहीं किस वजह से पुली में ये किया है, और गांव से सड़क सुविधा की दूरी हमारी 1.5 किलोमीटर की है, और वर्षों से प्रशासन व विभाग से पिछले एक वर्ष से लोहे का फुट ब्रिज बनाने हेतु आग्रह कर रहे हैं। हाँ, अगर बाई चांस सरकार हमारी समस्या को नहीं सुनती है तो हम हो सकता है कि गांव वाले सब मिलकर मानवाधिकार आयोग में न्याय हेतु जाना पड़े। महिला शोमा देवी ने बताया कि गांव के लिए सालों से सड़क सुविधा नहीं है, जिसके चलते रात रात को ड्यूटी से वापस आने पर लोगों को पहरा देना पड़ता है। उन्होंने बताया कि गांव वालों ने फुट ब्रिज की मांग की है, जिसे जल्द पूरा किया जाना चाहिए। शोमा देवी जी, क्या समस्या है? समस्या जी, देखा रास्ता, बच्चे छोटे छोटे स्कूल नहीं ले पा रहे हैं, दुखी हो गए, ड्यूटी वाले और रात पूरे उठी पट्टे रे, तो अपना बच्चा कनेक्ट रहा, 12 बजे भी आवा, 1 बजे भी आवा, एक गांव वाला बच्चा मारे था खुरवाड़ में, तो है पूरे उठी जाना, मैं मेरी बहुआ तसे बच्चा रात ले आना, तीसरे कैसा खोल लो, तीसो मार दो, तीसो खत्म कर दो, तखे मिलना तीसरी जनाना कुछ दिखनी, तो छुट्टो आदमी तो थले पौधो पौधो मर गया, इतने बच्चा स्कूल छड़ने, इतने दुखी हो रहे हैं। जो रास्ता बन गया फुट ब्रिज बन जाओ, हाँ जो हाँ, तो ये रास्ता इतनी तह खड़े च भी लो सके हैं, फुट ब्रिज रही हमारी बड़ भारी जरूरी मांगी, तो इतने बच्चे रुड़ गया मर गया, तो क्या करना मिर्ग, पंचायत वाले जो गए तो जोड़े आते हैं, अह बोले जी हाँ जो रास्ता बनाए दो, रास्ता बनाए दो, इस बनाने का क्या फायदा, इस रास्ता है मैं भी कर रहे रिपेयर माड़ी मोटी, ये बहनजा चाहिए भी टप्पे तो भी अह टप्पी है, तो इस रास्ता जो कोई फायदा नहीं है जी, फायदा कोई नहीं है, अह नहीं लंघते, सारे गांव लंघा, 4-5 गांव लंघ गए आने जाने जो है,
इतने दुखी है दो गल रन दो नसोगियां लिया रहे तीन रिप्रेशन हो रहे हैं तसे बच्चे रगड़ी रगड़ी ने हाथ पैर बैठी आ रहे हैं तो हम तिनरिया मां जो के जवाब देने बोले तू हरे नहीं हम बसानी आई भाई अहां किए लेनी रगड़ी रगड़ी ने से बच्चे दो बच्चे मर गए थे डॉक्टर गए टाइम मरे ले नहीं पा रहे तीन। वार्ड सदस्य सरदारनी ने बताया कि गांव के लिए रास्ता नहीं है और खड्ड में बन रही पुलिस से कोई लाभ नहीं होगा, जबकि लोगों के द्वारा फुटब्रिज की मांग को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव के रास्ते में किसी को उठाकर भी ले जाना संभव नहीं है। मेरा जी सरदारा, सरदारा जी क्या समस्या रही आपकी? समस्या जी है ये, यहाँ जो गर्भवती औरतें हैं उनको नहीं ले जा रहे हैं, ले जाए तो रास्ता नहीं है, पालकियां नहीं जा रही है, कोई खच्चर घोड़ा नहीं जा रहा, पे खच्चर घोड़े पे ले जाएंगे। बाकी ये है इस पुल से हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ दो बच्चे तो घर में ही ऐसे ही हो गए भाई, नहीं कहीं पुजार नहीं पाया है, ना जो को पालकी आला मिला, ना यहाँ हमें कोई भी नहीं मिला किसी किस्म का, ना ही तो रास्ता है, ऐसा भी नहीं है पे चलो किसी को खच्चर घोड़े पे ले जाएंगे पालकी में ले जाएंगे, इसका तो कुछ नहीं है, तो पैदल भी निकल जाएंगे जैसे खड्ड में उतरे हाथों पैरों के बाहर चढ़ ही जाएंगे। लेकिन नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बहुत प्रॉब्लम है और मेरे गांव की बहुत बड़ी शिकायत है ये कि हमें रास्ता चाहिए, हमें ब्रिज पुल डाल दो, हम ब्रिज पुल मंजूर है। आप क्या मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाते हैं? मुख्यमंत्री से ये अनुरोध हमारा ये है कि हमारे हमें पुल मिल जाए, ब्रिज पुल फुट ब्रिज लोहे का मिल जाए तो मेरे गांव को कोई सुविधा हो जाएगी। मैं कोई सुविधा नहीं है मेरे गांव के लिए, करना चाहते हैं जी, लोग देते ही नहीं है, जब कोई रिश्ता मांगने आता है तो यहाँ से देख के मुड़ जाता है, बोलता है यहाँ से कैसे जाना कहाँ जाना, बिल्कुल नहीं आते जाते हैं, आएंगे मना कर जाएंगे, इसीलिए हमारे 30-30, 35-35 साल के बच्चे कुंवारे हैं। युवा राजेश कुमार ने बताया कि कसियाना गांव में करीब 50 घर हैं और लोगों को दिनचर्या के कामों को निपटाने के लिए दिक्कतें पेश आती हैं, लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते हैं। राजेश कुमार है जी, गांव के लिए समस्या सबसे बड़ी समस्या फुटब्रिज की है, रोड नहीं है, सूक्ष्म से वंचित है, 45 घर है और स्कूल दूर है, पंचायत घर भी दूर है, रास्ता कोई नहीं है जाने आने के लिए और पहले दो डेथें हो चुकी है यहाँ पे। तो आप क्या सरकार से? हम सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि हमें रोड मिले और फुटब्रिज चौड़ा हो। ये आपकी एक मांग थी फुटब्रिज की, लेकिन पंचायत ने ये पंचायत हाँ जी उसका कोई ये नहीं है फायदा। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि गांव के लिए कोई भी सुविधा नहीं है और गांव के रास्ते में आना जाना मुसीबतों से भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि गांव को जोड़ने वाला एक ही रास्ता है और इस रास्ते में अस्पताल पहुंचना मुश्किलों भरा है। उन्होंने बताया कि बच्चों को समय पर उपचार नहीं मिलने से मौत का ग्रास भी बन चुके हैं। क्या समस्या है आपके गाँव की? सर हमें रास्ते की बहुत समस्या है, इस रास्ते की वजह से हमें हॉस्पिटल जाने में बहुत कठिनाई होती है, हमें एक ही रास्ता ही है गांव, बस कोई रास्ता नहीं है, और इस वजह से मेरे दो केस खराब हो, मेरा छोटा सा बच्चा भी 2 महीने की थी वो उसकी डेथ हो गई, दवाई नहीं मिली टाइम पे, जाने नहीं, बहुत मुश्किल होती है रास्ते, हमें फुटब्रिज की मांग है और कुछ नहीं, हमें रास्ता बस कुछ नहीं चाहिए। मेरा पति रात को आता है, वो 12-1 बजे आते हैं तो मैं और मम्मी जाती हैं उनको लेने के लिए, तो हमें जंगली जानवरों का बहुत खतरा होता है। हाँ जी देवी, इंदुदेव जी आपके गांव के लिए रास्ते की समस्या है, क्या करेंगे? हमारे को ये फुटब्रिज की डिमांड थी और हमें इससे पुली का काम कर रहे हैं, इससे हमें कोई भी सुविधा नहीं है। मेरे बच्चे 3 हैं, वो रोज स्कूल को यहाँ से जाते, 3 किलोमीटर स्कूल जाते इधर से, और ये मेरे हस्बैंड है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट में है, आजकल कोरोना की वजह से इनकी ड्यूटियाँ लगी है तो ये रात को 12-12, 1-1 बजे आते हैं, तो हमें रात को यहाँ इनको ही इधर से लेने जाते हैं रास्ते में, तो रात को हमारे को जंगली जानवरों का भी खतरा है इधर से, तो हम बताओ आप हम अकेले कहाँ जाएँ। आप क्या सरकार से क्या? हम सरकार से ये कि हमारी मांग फुटब्रिज की है। हाँ जी, और यहाँ भी और जो ये लेडीज हैं तो ये जब प्रेगनेंस होती है तो इनको ले जाने में भी दिक्कत होती है, जो जेंट्स घर में नहीं हो तो हम लेडीजें कैसे ले जाएंगी, आप बताओ इधर से कितना दूर पड़ता है हमारे को इधर से सड़क के ले जाने में, तो ये हमारे को फिर हमारे इसको फुटब्रिज की डिमांड है।